नमस्कार यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। राजस्थान कीलवाड़ा से बड़ी खबर, विशेष रिपोर्टर लक्ष्मीकांत शाक्य। मध्य प्रदेश और राजस्थान में श्रद्धा का बड़ा केंद्र बने श्री सिलारी धाम सरकार। देश के कई चमत्कारिक दरबार हैं, उन्हीं में से एक है सिलोरी धाम सरकार, जो पूर्णतः निःशुल्क है, जहां बिना बताए ही पर्ची पर समस्या व समाधान लिख दिए जाते हैं। कैंसर एवं लकवे के मरीज कुछ पेशियों व महाराष्ट्र के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। महाराज को हनुमान जी व देवी शक्तियों का वरत हस्त प्राप्त है। उनके यहाँ दरबार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। वह जैसे महाराज को आदेश लगता ठीक वैसे का वैसा वो पर्चे में लिख लेते हैं। महाराज श्री सात पीढ़ियों के डिटेल भूत भविष्य वर्तमान सब लिख देते हैं। वह असाध्य रोग महाराज जी के स्पर्धा मात्र से ठीक हो जाते हैं। बारे में बता देते हैं कृपा होगी, आशीर्वाद है आपकी। हमने यहाँ पर तीन से तीन सवाल लिखे हैं। काम धंधा क्या है? काम धंधा आपका तेज चलेगा, घर में उपद्रव शांत होगा, जो भी कार्य करते हो वो पूर्ण तेज। हाँ, अभी पूर्ण तेज सफलता नहीं है, नए कार्य के आपके योग बन रहे हैं पॉलिटिक्स में आपके 2026 में। सुमन महाराज 23 के छठे महीने में आपके पूर्ण तेज कार्य के योग बन गए। देवी के 26 में ही आपके पूर्ण योग बनेंगे और पूर्ण बनेंगे। राम श्री सीताराम सरकार के योग बिजनेस में, अभी बिजनेस में भी योग हैं तो पूर्ण नहीं है, पॉलिटिक्स पकड़ लीजिएगा। इसमें भी 23 के छठे महीने में आपके योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 23 तारीख छठे महीने में पूर्ण कृपा हो जाएगी आपके पास। बिजनेस में योग है, अभी सफलता है पूर्ण नहीं है, उसके लिए आपको बाबा की सेवा थोड़ी बढ़ानी होगी। हम कुछ उपाय बताएंगे तो आज से आपके ऊपर कृपा हो जाए। हनुमान जी महाराज कृपा करें, मेहंदीपुर दरबार कृपा करें, उनकी सेनाएँ कृपा करें, आज से आपके ऊपर कुछ हम आपको यहाँ पर सेने जाएगा। आज हम कुछ उपाय बताएं, वो उपाय करो तो 100% आपके ऊपर कृपा हो जाए। जी पंडित जी बताइए। जय श्री राम, जय श्री सिलोरी माता। पंडित जी आप ये धाम भर रहे हो, कितना टाइम हुआ है आपको? ये टाइम धाम चलाते हुए लगभग हमें 8 से 9 बरस हो चुके हैं। 8-9 बरस से ये धाम चल रहा है हमारा श्री सिलोरी धाम। ये आपके धाम का मतलब मेन लक्ष्य क्या है? हमारे धाम का मेन लक्ष्य है कि आज के प्राणी, आज के युवा राम नाम से बिछड़ रहे हैं और अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, नशे के रास्ते पे चल रहे हैं। आज के युवा अपने माता पिता और गुरु की सेवा ना कर कर फालतू चीज़ों में पड़े हुए हैं, नशों की लत में पड़े हुए हैं। तो उनको हमें राम नाम से जोड़ना, हर प्राणी को राम नाम से जोड़ना। और आज के हमें कहीं ना कहीं लगता है कि गौ माता कटती जा रही है, संख्या कम पड़ती जा रही है, तो गौ माता का बचाव हो, पर्यावरण का बचाव हो, कहीं ना कहीं पर्यावरण कटता जा रहा है। और आज से ये पर्यावरण बचे और पर्यावरण बचाने के लिए कर रहे हैं। आज के टाइम में जो लोग नशे से मतलब पीड़ित हो चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? आज के युग में नशे से पीड़ित हो गए उन युवाओं को हम राम नाम से जोड़ना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर युवा, हर नौजवान राम नाम से जुड़े और ये नशे ये छोड़कर अपने माता पिता और गुरु की सेवा करें, जो आज के इस कलयुग में ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और आप जो पर्चे बनाते हो ये कैसा क्या है मतलब? ये पर्चे बनाने की प्रेरणा हमें ये बचपन से लगती थी, पर हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाए थे कि हमने सोचा इस तरंगे होगी कुछ, तो धीरे धीरे अब जाके हमें ये आवास हुआ 2-3 साल से। तो 2-3 साल से हम ये पर्चे बनाने लगे। लगभग हमारा दरबार तो हमारे दादा से परदादा चलाते रहे, पर अब ये पर्चे बनाने का सिस्टम ये 3 से 4 बरस से हो चुके हैं हमें। और ऐसे हम पहले ही चलाते थे, टोटल 10 साल हो चुके हैं हमें। अच्छा, आपको 10 साल हो चुके हैं। ये माता जी की कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से ये हमें प्रेरणा मिलती है कि अमुक व्यक्ति आया है, उसका यह नाम है, वो ये समस्या लेकर आया है, उसको हम पर्चे पर पहले से ही कलमबद्ध कर देते हैं। पहले से ही पता है, पहले से ही बना लेते हैं। हाँ, उसके बाद में उनको बताते हैं। हाँ, जो भी समस्या होती है उनको बोलने की जरूरत नहीं होती है और वो आके बैठते हैं, जैसी
अंदर से आदेश होता है, प्रेरणा होती है कि फलाना अमुक व्यक्ति ये समस्या लेकर आया, उसका अमुक क्वेश्चन है और उसका अमुक नाम है, जैसा सरकार आदेश देते हैं वो पर्चे पे कलमबद्ध कर देते हैं और वो वे ही होता है जो हमारे पर्चे में होता है। जैसे अभी आप ये धाम बताए तो धाम का दिन कौन सा है? देखो ये हमारा धाम तो अभी प्रत्येक मंगलवार को लगता है। अच्छा, कितनी बजे तक लगता है? ये लगता है 12 बजे से 3 बजे तक। और जो श्रद्धालु बना